देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। उज्जैन प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सचिन यादव आज उज्जैन जिले की घटिया तहसील में पहुंचे। वे यहां जय किसान फसल ऋण माफी योजना गौशाला उद्घाटन एवं नवीन छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। सचिन यादव ने मंच से किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा में कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऋण माफी योजना का अब द्वितीय चरण शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन किसानों का कर्जा माफ होगा जिन पर 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का कर्जा है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं, ना ही लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करते हैं। आज बीजेपी रुपए लेकर जो खरीद फरोख्त का काम कर रही है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए निराशाजनक है। वह इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। तराना के विधायक महेश परमार द्वारा शिवराज सिंह चौहान पर लगाए गए आरोप की उन्हें 35 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया। इस पर बयान देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि महेश परमार व इस प्रकार के अन्य विधायकों के साथ शिवराज सिंह चौहान व उनके नुमाइंदे ऐसे प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो देश में गिने चुने लोग ही राज करते होते। शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहना कि कांग्रेस के विधायक ही उनकी सरकार से नाखुश हैं, इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बहुमत सिद्ध करने के ऐसे कई मौके आए तो उन्होंने भागने का काम किया, वे केवल ड्रामेबाजी करते हैं। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल द्वारा दिए गए बयान कि यदि सत्ता परिवर्तित होती है तो वह भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। इसलिए मैं कहूंगा जय जवान, आप कहेंगे जय जवान जय किसान। लगने रोके हमारा उज्जैन हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामलाल मालवी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मनोहर बैरागी जी। देखिए, अपने वचन के अनुसार, हमारी योजना के अनुसार हम किसानों का चरणबद्ध तरीके से ऋण माफी करने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमारी सरकार ने लगभग 20 लाख से अधिक किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने का काम हमारी सरकार ने करा है, और प्रथम चरण में उन किसानों को ऋण माफ़ी का लाभ देने का काम किया गया है जिनके कालातीत खाते थे, उनका पूरा 2 लाख तक का ऋण माफ़ किया गया है, और जिनके चालू खाते थे उनको 50,000 रुपये तक का ऋण माफ़ी का लाभ देने का काम प्रथम चरण में किया है। पिछले दिनों हमने हमारा दूसरे चरण की शुरुआत करी है, और इस दूसरे चरण में लगभग 7 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ़ी करने का काम किया जाएगा, और इसमें उन किसानों को शामिल करने का काम किया जा रहा है जिनके चालू खाते हैं और जिनके ऊपर 50,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 तक का जिनको ऋण है, और जिन प्रथम चरण में जिनके कालातीत खाते थे लेकिन किसी कारणवश वो छूट गए हैं, उनको भी इस ऋण माफ़ी में शामिल किया जा रहा है। सर, हॉर्स ट्रेडिंग का एक बड़ा मामला आया जिसके तहत प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है, क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप अगर आप इनकी जो पुराना इनका रिकॉर्ड आप देखेंगे उठा करके, तो इन्हें ना तो जनादेश का कोई इनके इसमें विच उनका सम्मान करते हैं, और ना ही इनके लिए लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उन मूल्यों का किसी प्रकार का कोई इनके लिए सम्मान है। आज जिस प्रकार से पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी जो है खरीद फरोख्त करने का जो एक प्रयास कर रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे ये लोकतंत्र के लिए बहुत जो है निराशाजनक है, और इस कृत की जो है जितनी निंदा की जाए मैं समझता कम हो, और जिस मंशा से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके मंसूबे कभी जो है पूरे नहीं हो पाएंगे। सर, आप उज्जैन में तराना के जो विधायक है महेश परमार, उन्होंने आरोप लगाया कि खुद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फोन किया और 35 करोड़ रुपये का ऑफर दिया। देखिए, इस तरह की के प्रयास तमाम जो है कांग्रेस के विधायकों को इस तरह के प्रलोभन देने के काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, उनके मुखियाओं के द्वारा जो है
किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आज देश में जो है किस गुने चुने लोग ही राज कर रहे होते। आज ये हमारा भारत की जो खूबसूरती है जहाँ लोकतंत्र जो है सबसे मजबूत होता है, जनतंत्र मजबूत होता है, और उनके सबके आशीर्वाद से जो है हम लोग लोगों की सेवा करने का काम। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ देर पहले भोपाल में एक बयान दिया है कि भाजपा के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वे खुद अपनी पार्टी से असंतुष्ट हैं। देखिए शिवराज जी क्या कहते रहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब इनको कई मौके आए, कई अवसर आए जहाँ पर विधानसभा के सत्र के दौरान उनको अपने बहुमत सिद्ध करने का जब समय आया था तो हमेशा इन्होंने पीछे हटने का काम किया, हमेशा भागने का जो है इन्होंने काम किया। तो ना इनके पास बहुमत है और ना इनके पास लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के की ड्रामेबाजी जो है करने का काम और लोकतंत्र की का गला घोटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा किया गया। सर एक आखिरी सवाल, खनिज मंत्री जो वर्तमान सरकार में है प्रदीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया कि यदि सरकार परिवर्तित होती है तो वे उसमें भी भागीदारी निभाएंगे। देखिए इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है और ये सरकार जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, ना सिर्फ हमारी सरकार ये 5 साल पूरे करेगी बल्कि जिस तेजी से, जिस गति से और जिस प्रकार से हमने इस अल्प समय में लोगों का, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, आने वाले एक लंबे समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। वो मुंगेरी लाल के जो है सपने देखते रहे, सब हमारे साथ में है, बल्कि कितनी लागत से बना 28 लाख रुपए की लागत से श्री भगवान देवनारायण गौशाला का उद्घाटन आज माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया, जैसा मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण प्रथम वर्ष किया जा रहा है, जिसमें घटिया तहसील में 10 गौशालाओं का निर्माण होकर तैयार है, जिसमें से 1 गौशाला का उद्घाटन अभी माननीय मंत्री जी द्वारा किया। मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करती है, गौ माता के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा ही नहीं, उनके लिए करके दिखाया और करके दिया, जो हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।